लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो शतरंज खेल रहा है। उसे यह नहीं मालूम कि वो सिर्फ एक मोहरा है उस शतरंज का जिसे हम खेल रहे हैं। और उसका बयान इसमें है सर। एक्सक्यूज मी, नमस्कार कमिश्नर साहब। जगोल द ग्रेट शैतान साइंटिस्ट को मात देने की आप लोगों की चाल बहुत अच्छी थी, लेकिन जैकॉल के ग्रेट शैतानी दिमाग के सामने कोई चाल टिक नहीं पाती, क्योंकि जैकॉल द ग्रेट शैतान साइंटिस्ट जब कोई चाल चलता है तो सामने वाले की मात तय है। ये देखो, ये है शेह और ये मात। मतलब नहीं समझे? समझ जाओगे, क्योंकि आपने मुझे हवालात से भागने का पूरा पूरा मौका दिया, इसका शुक्रगुजार हूं मैं। ये सब क्या है रॉबर्ट? सर मैंने खुद जाकर उसका बयान लिया था। सर बयान लिया था? शायद वो इस वक्त अपने कमरे में होगा। इससे पहले कि वो भाग जाए हमें उसे पकड़कर हवालात में बंद कर देना है। यस सर। चलो। जैकॉल, राम सिंह, खान, तुम दोनों उठकर इधर आओ। क्या बात है इंस्पेक्टर, ये लोग हमारी आवाज क्यों नहीं सुन रहे? सर यही तो मैं सोच रहा हूं। आप लोगों को सुनाई नहीं देता? मैं आपसे कह रहा हूं, मिस्टर जैकॉल, मिस्टर जैकॉल। सर ये लोग तो गायब हो गए। ये लोग कहां गायब हो गए, मगर ये सब कैसे हुआ? सर यही तो समझ में नहीं आ रहा। सर ये लोग फिर से आ गए। फिर से आ गए?
ये सब क्या हो रहा है? सर कुछ गड़बड़ है, आपके पीठ के पीछे कुछ रोशनी सी। रोशनी मेरे पीठ के पीछे? ओ माय गॉड, दिस इज एन इमेज। ओह नो, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है, ये सब क्या हो रहा है रॉबर्ट? सर उसने हमें धोखा दिया है, ये सिर्फ एक फिल्म है जो वहां से निकलकर नीचे आ रही है सर। मगर ये सब उसने किया कैसे? सर आप भूल रहे हैं, जैकॉल बहुत बड़ा साइंटिस्ट है सर, उसने हमारे टीवी कैमरे को प्रिज्म प्रोजेक्टर में बदल डाला है सर। लेकिन मेरी समझ में नहीं आता इतने कम समय में उसने ऐसा कैसे किया। सर जैकॉल बहुत बड़ा साइंटिस्ट है। शट अप, तुम्हें यह बात मालूम होनी चाहिए थी कि वो एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट है। अगर उस समय तुमने इन सब बातों पर ध्यान दिया होता तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। उसका भाग जाना हमारे लिए बहुत खतरनाक साबित होगा, बहुत ही खतरनाक। पहचाना? कौन था वो? इसकी शक्ल बिल्कुल डॉक्टर जैकॉल की तरह है, मैंने टीवी पर इसका चेहरा देखा था। पुलिस लॉकअप तोड़ के भागा है ये। चल छोड़, जाने दे। नहीं, हमें पुलिस को बता देना चाहिए। नहीं नहीं, अरे पुलिस वाले पहले तुझे ही पकड़ लेंगे और उल्टे पुल्टे सवाल पूछेंगे। अगर ऐसा हर आदमी सोचेगा तो कैसे चलेगा? पुलिस की मदद करना हर नागरिक का काम है। ठीक है, पहले घर चलते हैं, कल सुबह पुलिस स्टेशन जाकर बता देंगे। ठीक है। बताऊंगा तो मैं अब किलविश को कि मैं अकेला ही बिना किसी की मदद के जेल तोड़कर आजाद हुआ हूं। शक्तिमान को भी अब मैं ही बर्बाद करूंगा अपने बलबूते पर। शक्तिमान, मानसी अभी भी सोच लो, क्या इतनी सुबह सुबह गंगाधर के घर जाना ठीक रहेगा? क्यों मामू, इसमें हर्जी क्या है? पता नहीं बेटे वो इस समय किस मूड में होगा, और फिर हमें उसे बगैर इन्फॉर्म किए उसके यहाँ नहीं जाना चाहिए। अब जो होगा देखेंगे मामू, ऑफिस के लिए जगह फाइनल करने से पहले मैं गंगाधर को एक बार वो जगह दिखा देना चाहती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि ऑफिस में किसी भी तरह की कोई भी कमी हो। और एक बात और है मामू। क्या? मुझे इस गंगाधर को परखना है। क्या मतलब? हाँ मामू,
वैसे उसने जिस तरह कार्य और उसके साथियों को पकड़वाया उससे तो मुझे काफी चालाक आदमी लगता है ये। वो तो है मानसी, इसकी चालाकी का लोहा तो मैं पहले ही मान चुका हूँ। फिर ये बेवकूफों की तरह हुलिया बनाकर क्यों रहता है? और सबसे बड़ी बात तो ये है मामू कि शक्तिमान इसे ही अपनी न्यूज क्यों देता है। सचमुच ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं, लेकिन एक बात सच है मानसी कि शक्तिमान की न्यूज यही गंगाधर लेकर आता है। वो सब ठीक है मामू, अब चलो। ठीक है, अब आ ही गए तो चलो। बागची के साथ मानसी इस वक्त यहाँ? मामू क्या पता अब तक वो सो रहा होगा, और फिर उसे तैयार होने में वक्त तो लगेगा ना। तैयार होने में, अर्थात ये मुझे कहीं ले जाना चाहते हैं। कोई बात नहीं, अब आ ही गए तो देख लेंगे। तो ठीक है, हम तैयार हो जाते हैं। शुभ प्रभात, शुभ प्रभात। देखिए हम पूरी तरह तैयार खड़े हैं, कहिए कहाँ चलना है। लो मानसी, हम तो गंगाधर जी के सोने की बात कर रहे थे और ये तो साथ में चलने के लिए तैयार खड़े हैं। आप लोग लगता तैयार नहीं है, कोई बात नहीं, अंदर आ जाइए, अंदर आ जाइए, नाश्ता वास्ता कर लीजिए। आप लोग घबराइए मत, अतिथि सत्कार हमारे यहाँ चलता है। आइए विराजमान हो जाइए, आइए विराजमान हो जाइए। अपने घर आओ मानसी। बागची महाशय खुद विराजमान हो गए, बहुत बार आए हैं यहाँ पर, फल खाएंगे। नहीं थैंक यू। एक बात बताइए गंगाधर जी, आपको कैसे पता चला कि हम आपको अपने साथ कहीं ले जाने के लिए आए हैं? आप नहीं आती तो कोई और आ जाता। मतलब? मतलब ये कि कल रात हमने एक एक स्वप्न देखा। स्वप्न? स्वप्न 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 अर्थात सपना। ओह यू मीन ड्रीम। ओ यस, ड्रीम ड्रीम। वो बाग बनकर के देखते ना उसे ड्रीम कहते। तो रात हमने एक एक स्वप्न देखा, नहीं मेरा मतलब है सपना देखा, नहीं मेरा मतलब है ड्रीम देखा। ड्रीम में सपने को देखा, सपने में ड्रीम को देखा। किसमें क्या देखा? अरे गंगाधर जी हम समझ गए कि आपने सपना देखा। हाँ लेकिन सपने में आपने क्या देखा? हाँ यही तो हम आपको बताने जा रहे थे कि सपने में हमने क्या देखा। हमने सपने में देखा कि हम वहां पर बिस्तर पर मजे की नींद ले रहे हैं कि अचानक मध्य रात्रि को दर 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 दर। किसी ने दरवाजा खटखटाया, हम हड़बड़ाकर उठ गए और हम सीधे दरवाजे की तरफ भागे और हमने दरवाजा खोला और हमने देखा कि हम दोनों दरवाजे के बाहर खड़े हैं। नहीं 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 नहीं, हमने देखा कि सामने गधा खड़ा है। हमने कहा, हे विशाख नंदन गधर्व महाराज, ये अर्धरात्रि को हमारी नींद में खलल डालने के लिए आप यहाँ क्यों आए? उन्होंने पहले अपने बड़े बड़े विशालकाय कानों को उन्होंने जोर जोर से हिलाया और ढेंचू 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 किया और देखते देखते हमारे सामने वो एक महापुरुष में बदल गए। हमने प्रणाम किया, प्रणाम महापुरुष। उन्होंने कहा, हे मूर्ख, कल तू सुबह सुबह तैयार होकर बैठ जाना, कोई आपके घर में आने वाला है, वो आपको लेकर जाएगा और आपको लाभ होगा। अब देखो हम सुबह से तैयार होकर बैठे हुए और आप लोग आ गए। अरे गंगाधर जी आपका सपना तो सचमुच सच हो गया। आपको पता है हम आपको लेकर कॉमिक्स के ऑफिस के लिए जगह देखने जाने वाले हैं। और ऑफिस खुलेगा तो आपका भी लाभ होगा, तो चलिए ना। अरे लाभ होगा तो चलिए 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 चलिए, लाभ होगा तो चलिए चलिए। अरे बागची महाशय इस तरह से गिरते पड़ते रहोगे तो ऑफिस कैसे पहुँचेंगे? एक बात बताइए गंगाधर जी, क्या आपके सपने अक्सर सच होते हैं? जी हाँ, बल्कि हमारे तो सारे सपने ही सच होते हैं। बल्कि यहाँ तक कि हमारी जिंदगी में जो कुछ भी होने वाला होता है ना, वो सब हमें सपने में दिखाई दे जाता है। अच्छा, इसका मतलब है आपको शक्तिमान की न्यूज भी सपने में मिलती होगी? अरे नहीं, ऐसा कैसे हो सकता। हाँ लेकिन शक्तिमान भैया की न्यूज हमें मिलने वाली है ऐसा सपना हमें जरूर दिखाई दे जाता है। जब कभी भी हम शक्तिमान भैया को सपने में देखते हैं ना, तो हम समझ जाते हैं कि शक्तिमान भैया की न्यूज हमें मिलने वाली है। अरे लाभ लाभ, चले लाभ मिलने वाला, चलिए 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 चलिए, लाभ लाभ मिलने वाला। आप लोग तड़िक गाड़ी में जाकर बैठिए, हम ताला लगा कर आते हैं। चलो मानसी। और लाभ की कुंजी खोल भैया, लाभ की कुंजी खोल। मानसी बेटे तुम पीछे बैठो। जी मामू। सपने भी कभी सच हो सकते हैं? मुझे यकीन नहीं आ रहा इसकी बातों पर।
चलिए चलिए वरना लाल पंख लगाकर उड़ जाएगा। चलिए बागची माशे गाड़ी उड़ाइए, मेरा मतलब है गाड़ी चलाइए, पाव क्लच तक पहुंचेंगे ना। अरे पाव क्लच तक नहीं पहुंचेंगे तो आप लाभ तक कैसे पहुंचेंगे गंगाधर जी? तुम लोगों को पूरा यकीन है कि रात को तुमने इसी आदमी को देखा था? हाँ सर, इसने लंबा ओवरकोट पहना हुआ था। मैं तो रात को पुलिस स्टेशन आने वाला था मगर इसने मुझे मना कर दिया। दरअसल हम डर गए थे। यार तुम लोगों को पुलिस के पास आते हुए किस बात का डर लगता है? पता नहीं अब तक वो कहां भाग चुका होगा। अच्छा ये बताओ कौन से इलाके में देखा था? लालबाग की तरफ। ठीक है बिंडे। जी साहब। 4 सिपाहियों के साथ मेरे साथ चलो। अच्छा साहब। इतनी देर के बाद वहां से उसका मिलना तो मुश्किल है, लेकिन शायद कोई सुराग मिल जाए उस डॉक्टर जयकॉल का। दिन इतना चढ़ाया, गहरी नींद की वजह से मुझे कुछ पता ही नहीं चला। पुलिस की सायरन, इससे पहले कि ये लोग मुझ तक पहुंचे मुझे इस इलाके से कहीं दूर निकल जाना चाहिए। लेकिन गंगाधर जी आपने ये तो बताया नहीं कि कल रात आपको सपने में शक्तिमान दिखा या नहीं दिखा? जी नहीं नहीं दिखा बागची माशे, नहीं दिखा। परंतु हम कितना चाहते हैं कि शक्तिमान भैया का सपने में हमें दर्शन हो जाए, ताकि सुबह सुबह हमारी उनसे मुलाकात हो जाए और हम उनसे जुड़े हुए प्रश्नों का उत्तर उनसे पूछ सकें। हाँ हाँ, अब तो हमारा कॉमिक्स का बिजनेस आपके सपनों पर ही तो टिका हुआ है ना जी। आपने क्या कब से सपना सपना लगा के रखा हुआ है गंगाधर जी? देखिए शक्तिमान आपके सपने में आए या ना आए, पर हमारी कॉमिक्स के लिए आपका शक्तिमान से मिलना बहुत जरूरी है, समझे आप जी? और हाँ, हो सके तो हमें भी शक्तिमान से मिलवाइएगा, मुझे शक्तिमान से कुछ पूछना है। तुम्हें क्या पूछना है मानसी बेटे? मामू मुझे शक्तिमान से उस रहस्य के बारे में पूछना है जो हमने रात को एयरपोर्ट से लौटते वक्त देखा था। कैसा रहस्य? अरे कुछ पूछिए मत गंगाधर जी, ये रहस्य तो आज तक हमारी समझ में नहीं आया। दरअसल उस रात हमने एक आदमी को उड़ते हुए देखा था। यानी कि आप लोगों ने सचमुच किसी इंसान को हवा में उड़ते हुए देखा था? हाँ गंगाधर जी, बिल्कुल शक्तिमान की तरह उड़ रहा था वो। मुझे शक्तिमान से उसी के बारे में पूछना है, ये पूछना है कि आखिर वो कौन है जो शक्तिमान की तरह उड़ सकता है, और फिर मुझे शक्तिमान से ये भी पूछना है कि क्या वो उसे जानता है। यानी इन दोनों ने भी उस रात उस चोर को देखा था। मैं हूँ झुम 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 झुमरू पकड़ घुमरू बन के घुमरू, मैं ये प्यार का गीत सुनना चलाओ, मंजिल पे मेरी नजर मैं दुनिया से बेखबर, बीती आतों पे धूल उड़ाता चला, घुमरू बन के घुमरू मैं ये प्यार का गीत सुनाता चला। अपना ही कोई भाई लगता है बेचारा, ये जालिम पुलिस वाले भी क्या भगा रहे हैं इसको, इसे भी पुलिस के चंगुल से आप उनको ही बचाना पड़ेगा। चल मेरी मणि। इधर के आसपास पे छिपा हुआ है, ढूंढो उसे। कौन कौन हो? हमें यमराज ने भेजा है ऊपर से तुम्हें ले आने को। वैसे तो हम केवल मृत्युवासियों की आत्मा ही लेकर जाते हैं, परंतु तुम्हें यमराज ने सशरीर बुलाया है। हे पापी मनुष्य चलो। वो रहा उधर, पुलिस। नो प्रॉब्लम, चल मेरी मणि। मैंने यहीं पर देखा था, फिर गया कहां? कैसी रही बिरादर? कौन हो तुम? कहा ना, एक ही बिरादरी के हैं, चोर चोर मौसेरे भाई। मगर एक बात हमारी समझ में नहीं आई, ये चोर चोर मौसेरे भाई होते हैं, चचेरे भाई क्यों नहीं होते? क्या ख्याल है आपका? शकल से तो बेवकूफ नजर आते हो।
मगर हो नहीं। पहले मुझे ये बताओ कि वहां से गायब होकर यहां कैसे आ गए हम लोग? आ जा टक। पेड़ मत देख, केला खा ले। देख बिरादर, आज तो अपन ने तेरे को बचा लिया, अगली बार इन पुलिस वालों से संभल के रहना। अभी अपन चलता है, चल मेरी माई। चल मेरी मणि, यही उसने उस वक्त भी कहा था। इसका मतलब यह हुआ कि उसके गले में लटकी उस मणि के कारण ही यह आदमी गायब हो रहा है। अगर यह मणि किसी तरह मेरे हाथ लग जाए तो शक्तिमान मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। मगर कैसे हासिल होगी यह मणि? उस आदमी को कहां ढूंढूंगा मैं? आखिर कहां गया होगा वो? लो भाई, पहुंच गए हम लोग। इसी बिजनेस कॉम्प्लेक्स में मैंने ऑफिस के लिए जगह देखी है। बहुत खूब, बहुत खूब। खजाना गढ़ के महाराज नवरंगी तुम्हारा नृत्य देख के अति प्रसन्न हुए हैं नर्तकी। तू फिर आ गया यहाँ पर? खामोश गुस्ताख लड़की, महाराज के सामने जबान लड़ाने का मतलब समझती हो? मौत। महाराज? हाँ महाराज, नवरंगी के नव रंगों में से ये भी एक रंग है रितु डार्लिंग। रितु डार्लिंग बहुत हो गया।
अगर अपन को कुछ हो गया तो तेरा ख्याल कौन रखेगा? अरे जा, तेरे से बहुत अच्छे अच्छे मेरा ख्याल रखने वाले। चल चल अब निकल यहाँ से, मुझे शाम के प्रोग्राम की प्रैक्टिस करनी है। चल तू चल निकल। प्रोग्राम छोड़ क्यों नहीं दे रही तू? छोड़ दूंगी तो खाऊंगी क्या? खाऊंगी क्या, अपन मर गए क्या? अरे अपन तेरे को खिलाएगा ना, अपन ना तेरे को रानी बना के रखेगा राजमहल में। खुद के पास रहने के लिए एक झोपड़ा भी नहीं है और मुझे राजमहल में रखेगा? ए, अपुन को झोपड़े में रहने की क्या जरूरत है, अपुन तो तेरे दिल में रहता है ना बाप। तू फिर शुरू हो गया ना। देख नवरंगी, मैंने तुझसे पहले ही कहा है मुझे ये बातें बिल्कुल पसंद नहीं है। तुझे क्या पसंद है, तुझे क्या पसंद है? अरे तू हुक्म तो कर, अरे अपुन तेरे लिए जान भी दे सकता है। तू जैसे कड़के की जान लेकर मैं करूँगी क्या? कड़का किसको बोली, कड़का किसको बोली? अभी ना अपुन के पास इतना माल है ना, अपुन तेरे लिए ताजमहल के जैसा महल बना सकता है। वो महल का नाम रखेगा ऋतु महल, और तेरे बर्थडे पर ना अपुन तेरे को गिफ्ट करेगा। क्या सुन रहे लिए? पी रखी है क्या? आज बहुत चहक रहा है, कोई खजाना वजाना मिल गया क्या? मेरे को जो मिले ला है ना, उसके सामने खजाना भी कुछ नहीं है क्या? क्या मिल गया? कुछ नहीं। अच्छा शाम को क्या कर रही है, घूमने चलेगी? कहाँ? अरे घूमेंगे फिरेंगे, नाचेंगे गाएंगे ऐश करेंगे और क्या। घूमूंगी वो भी तेरे साथ, तेरी उस खटारा साइकिल पे जिसका एक चक्का हमेशा पंचर ही रहता है। अरे घूमूंगी तो किसी कार वाले हीरो के साथ, चनचनाती खून खनोती कार में। चनचनाती खून खनोती कार, कार में घूमने का शौक पैदा हुआ है? तेरे को कार मांगती है ना, तेरे को कार मांगती है ना, अपुन तेरे लिए कार अब भी लेके आता है। तू है ना वो लाल ड्रेस है ना, वो पहन के तैयार रहे क्या? कार लाता है अपुन एकदम झक्कास झक्कास का, तू लाएगा। चल काम कर अपना, चल हट। ए, तू क्या समझ रही है अपुन को? तू बोले ना तेरे घर के आगे ना मैं हवाई जहाज खड़ा कर दूं, समझी ना? अच्छा अच्छा जा जा खड़ा कर, जा 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 हवाई जहाज खड़ा कर, जा 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 करती है। जा ना हवाई जहाज है क्या? हवाई जहाज लेके आता हूँ ना। अरे उधर से कहाँ से जाता है, दरवाजा इधर है, जा मालूम है आजकल बहुत भाव है रे। अरे जा ना, अरे चल ले। नवरंगी आज कार में जरूर घुमाएगा, एकदम चक्कास कार। ये तो किसी कार की चाबी मालूम होती है। अगर मुझे ही पता चल जाए कि किस कार की चाबी है तो मैं बहुत आसानी से पुलिस के चंगुल से निकलकर दूर चला जा सकता हूं। पुलिस कैसे द ग्रेट शैतान साइंटिस्ट डॉक्टर जैकॉल को गिरफ्तार करेगी। सब देखा, दोनों गायब। कैसे गायब हो गया वो? इतना बड़ा खूंखार अपराधी है वो, उसे पकड़ना होगा। आओ करना तो हो गई। भेंडे, गायब कैसे हो गया वो? पता ही नहीं चला। मेरे को तो लगता है ये लोग जादू सीख के आया होएगा। ऐसे कैसे जादू? कोई गायब होता है, कोई उड़ जाता है। ये केस तो अपने बस की बात नहीं है, इसका प्रबंध तो शक्तिमान को करना पड़ेगा। मेरे को भी ऐसा ही लगता है। ये यहाँ कैसे? इधर नहीं, गाड़ी का पीछे जाके। वो साहब लोग आएंगे तो अपन क्या करेंगे? चल चल
क्या है आजकल क्राइम बहुत गर्म है, ड्यूटी भी अपने को संभल के करनी पड़ेगी। इनको भी यहीं आके खड़ा होना था, अब जब तक ये लोग यहां खड़े हैं मुझे यहीं छिपे रहना होगा। इधर तो कोई कार दिख रही लिच नहीं है बाप। अपुन ने अपनी गर्लफ्रेंड से वादा कर लिया था कि एकदम जक्कास कार अपुन तेरे लिए लेके आएगा। इधर जाएं। ए मेरी प्यारी सी मणि, मेरी अच्छी सी मणि, मुझे ले चल किसी ऐसे कार पार्क में जहां बिल्कुल सुनसान हो और ढेर सारी गाड़ियां हो। आ गए सुनसान कार पार्किंग के अंदर। अरे यहां तो बहुत सारी गाड़ियां हैं। अपनी रितु डार्लिंग के लिए एकदम जकास कार चुननी है अपन को, लंबी कार। ये वाली छोटी है, दूसरी वाली में भी बात नहीं बनी। हाँ ये है लंबी सी जकास कार, इसमें अपन अपनी रितु डार्लिंग के साथ घूमेंगे फिरेंगे, नाचेंगे गाएंगे ऐश करेंगे और क्या। हाँ यही है राइट चश्मा रंगी। आहा ए मेरी प्यारी मणि, मुझे यहां से उठा और उस कार में बिठा, चल फुर्र। आहा इसे कहते हैं नवरंगी के रहीसी ठाट। ये तो वही है जिसने मुझे पुलिस से बचाया था, मगर ये इस तरह कार के अंदर क्यों आया है? भिंडे चल चलते आए, भिंडे और तुकाराम। अरे रुक रे, थोड़ी देर के बाद चलते। इसे कहते हैं शेर के जबड़े से मांस को चुराना। चाबी कहाँ है? और कांच भी गाड़ी के खुले पड़े हैं। जो आदमी कांच खुले रख सकता है वो चाबी भी यहीं कहीं रख सकता है, शायद डैशबोर्ड में होगी। इसे कहते हैं बगल में छोरा शहर में ढिंडोरा, चाबी चोर के हाथ में। अब ये निकलेगा तो इसके साथ मैं भी निकलूंगा। मामू ये कैसी जगह दिखाने ले आए थे आप ऑफिस के लिए हमें? अरे बेटे मुझे लगता है ये जगह ऑफिस के लिए हर लिहाज से अच्छी रहेगी। नो मामू नो, नॉट एट ऑल। देखिए मामू मुझे मेरे कॉमिक्स के ऑफिस के लिए एक बहुत ही डिफरेंट लुक वाला ऑफिस चाहिए जो बाकी ऑफिसों से बिल्कुल अलग हो, क्यों गंगाधर जी? जी आ, जी 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 नवरंगी। अरे अरे मामू देखो हमारी कार को कोई चोरी कर रहा है। बाहर निकल निकल बोलना निकल। अबे कौन है बे कौन है? चल मेरी मणि हो जाएगा ये पुर। आ गया। ये गायब हो गया क्या? अरे मामू वो तो हमारी गाड़ी गायब करके ले गया। ओ माय गॉड ये तो वही चोर था जिसने मेरी मणि चुराई थी। इससे पहले वो दूर चला जाए उसे पकड़ना होगा। आपने देखा ना वो गाड़ी गायब हो गई। देखा तो सही, वो नवरंगी कार में बैठा, चाबी लगाया, गायब। अरे गायब अब होगा क्या, हमारी गाड़ी मिलेगी कैसे? हाँ। भेंडे कैसे तू गरम? आज तो डांडेकर साहब है ना ड्यूटी पे, उनको ही बुलाना पड़ेगा। बुला ले जल्दी, फोन कर ले, बुला ले जल्दी जल्दी जल्दी। ये शक्तिमान की तरह नौरंगी भी गायब होने लगा। मुझे चारों ओर नजर रखनी होगी, वो कहीं भी कार के साथ प्रकट हो सकता है। प्रकट हो वो रही मानसी की कार। रितु डार्लिंग देख तेरे को बोला था ना अपन जकास कार लेके आएगा, देख तेरे लिए जकास कार लेके आया। रितु अरे ये सुनती क्यों नहीं है? अरे यार पहले तो दिमाग नहीं था अब आंखें भी नहीं है। रितु पीछे मुड़ के देख।
मेरी रितु ये जक्कास कार देख के बहुत खुश हो जाएगी। अभी घुमा के उसके सामने खड़ी कर देता हूँ। इस मणि के बारे में उसे पता नहीं चलना चाहिए, इसे रख देता हूँ कहीं। मैं कुर्सी के पीछे, सीट के नीचे। सचमुच इसे अपने हाथों में लेते ही अपने अंदर एक अजीब सी ताकत महसूस कर रहा हूं मैं। जब ये चीज इसे गायब कर सकती है तो मुझे भी तो गायब कर सकती है। गायब, गायब कर दे मुझे। चल मेरी जकास कर। रितो, सुन। गाड़ी चुरा कर जा रहे हो नवरंगी? शक्तिमान तुम? हाँ मैं। पुलिस स्टेशन चलते हैं। मैंने तुम्हें पहले कहा था शक्तिमान, जब तक मणि मेरे पास है तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, कुछ भी नहीं। मणि मेरे पास है। मणि? मणि कहाँ गई? कहाँ गई? यही रखी थी मैंने मणि, यही रखी थी। मणि कहाँ है? मैंने यही रखी थी। मणि कहाँ है? मेरी मणि कहाँ है? नाटक मत करो नवरंगी, वो मणि मुझे वापस लौटा दो। वो मणि तुम्हारे काम की चीज नहीं है। नहीं, मैं नाटक नहीं कर रहा हूँ। मैंने यही रखी थी, कुर्सी के पीछे, सीट के नीचे। मैं सच सच कह रहा हूँ। देखो नवरंगी, मणि मुझे वापस लौटा दो। यही थी मणि, कहाँ गई मणि? कहाँ है? झूठ मत बोलो नवरंगी, चुपचाप मणि मुझे वापस लौटा दो। शक्तिमान मैं सच कह रहा हूँ, मैंने यही रखी थी। मणि मेरे पास नहीं है, यहाँ से गायब हो गए। मुझे इसके मस्तिष्क से जानना होगा कि ये सच बोल रहे हैं नहीं। इसके मस्तिष्क से तो यही पता चलता है कि ये सच बोल रहा है, मगर मणि अपने आप गायब कैसे हो सकती है? उसे जरूर कोई ले गया होगा, मगर कौन? खैर फिलहाल इसके मस्तिष्क से मणि की बात को भुला देना ही ठीक होगा। शक्तिमान तुम? हाँ मैं। लाओ वो मणि मुझे लौटा दो। मणि? कौन सी मणि? वही मणि जिसकी शक्ति के बल पर तुम इस कार को गायब करके यहाँ तक ले आए हो। कार को गायब करके? भला कार भी कभी गायब हो सकती है, और मैं कैसे गायब कर सकता हूँ इसको? चले है? हाँ चले, चलो कार शुरू करो। गायब। चलो नवरंगी, उसी कार पार्क में चलते हैं जहां से तुमने इस कार को चुराया था। कार गायब कैसे हो सकती है मैडम, मैं मान ही नहीं सकता। हाँ चोरी हो सकती है, ये मैं मान सकता हूँ। मुझे तो लगता है ये आपकी नजरों का धोखा है। देखिए इंस्पेक्टर साहब, जो मैंने देखा मैं आपसे वही कह रही हूँ, और आपके ये दो कांस्टेबल भी वहाँ मौजूद थे उस वक्त। अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं होता तो आप इन दोनों से पूछ लीजिए। हाँ बताइए बताइए आप लोग। ओए साहब, ये मैडम सच बोलता है, अपने अपनी आंखों से देखा, वो नवरंगी आपका कार गायब कर दिया। साहब मेरे को तो लगता है ये नवरंगी जादू जानता है, पहले भी हमने उसको उड़ते हुए देखा है, है ना तू करम? देखा है, उड़ते हुए देखा है। उड़ने वाला आदमी? चोर? क्या? तो क्या कार को उसी ने गायब किया है जो हवा में उड़ता है? ओए मैडम, ये वही नवरंगी है। पर तुमको कैसे मालूम कि वो हवा में उड़ता है? क्या आपने उसको देखा है उड़ते हुए? ओ शट अप बिंडे शट अप, ये क्या चल रहा है? आदमी का हवा में उड़ना, कार का गायब होना, ये सब विश्वास करने जैसी बातें है ही नहीं, और ना ही मैं विश्वास करूंगा, समझे तुम लोग? अरे वो गाड़ी, मानसी अपनी गाड़ी है। इंस्पेक्टर साहब ये तो मेरी गाड़ी है। हाँ इंस्पेक्टर साहब, ये हमारी गाड़ी है। शक्तिमान आप? हाँ मैं। इंस्पेक्टर ये वही आदमी है जो कार चुरा कर ले गया। थैंक यू शक्तिमान। यही चे वो, इसी ने गाड़ी को गायब किया था। ए भिंडे। जी इंस्पेक्टर साहब,
मैंने भी अपनी आंखों से इस आदमी को हवा में उड़ते हुए देखा है। ये झूठ बोलती है साहब, अरे आदमी कैसे उड़ सकता है? अरे हमने देखा ना तेरे को उड़ते हुए, हमारे सामने तो तू गायब हुआ। ए देखो साहब, अपन चोर है, अपन मानता है कि अपन ने चोरी किया होगा, पर गाड़ी कैसे गायब कर सकता है? शट अप, अरेस्ट हिम। ए ए, ये गाड़ी आपकी है? जी। चाबी लीजिए, चलता हूँ मैं। शक्तिमान गया। शक्तिमान तो चला गया, अब इस बात का फैसला कौन करेगा कि गाड़ी गायब हुई थी या नहीं? अरे हमने देखा ना साहब, इसने सचमुच में गाड़ी को गायब किया था। ए बिंडे, काहे को झूठ बोलता है साहब, अपन गाड़ी कैसे गायब कर सकता है? इंस्पेक्टर साहब, गाड़ी से जस्ट ए मिनट, देखिए सच्चाई क्या है, ये बात तो मैं से हवालात में जान ही लूंगा। फिलहाल मेरे लिए इतना काफी है कि इसने कार चुराई थी। बिंडे ले चलो इसे, तुझे तो बैग में डाल के लेके जाऊंगा। चल रे, चलो मानसी बेटे। मामू, मेरी एक बात समझ में नहीं आई कि ये आदमी हवा में उड़ने से और गाड़ी गायब करने से इनकार क्यों कर रहा था? सचमुच ये तो मेरी भी समझ में नहीं आया। मामू, और शक्तिमान ने भी उसके विषय में कुछ भी नहीं कहा। और ये गंगाधर, 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 गंगाधर कहाँ है? एन वक्त पर गायब हो गया। मामू, अगर वो यहाँ होता ना तो शक्तिमान से आज हमारी बात हो सकती थी। पता नहीं कहाँ गायब हो गया एन वक्त पर, कहाँ गया होगा। छोड़ो, चलो घर चलते हैं। ये लो चाबी, गाड़ी चलाओ। अचानक गायब हो गया। यही प्रश्न तो हमारे मस्तिष्क में कौंध रहा है कि आप दोनों इस कार में कैसे, ये कार तो अदृश्य हो गई थी, प्रकट कैसी हो गई? शक्तिमान की वजह से। शक्तिमान की वजह से? हाँ, हमारी कार को जिसने गायब किया था वो वही आदमी है जिसे मैंने और मामू ने आसमान में उड़ते हुए देखा था। वो तो अच्छा हुआ कि शक्तिमान ने आकर उसे पकड़ लिया। अच्छा? पर एक बात बताइए, आप कहाँ चले गए थे? हम अब वो हम तो वहीं थे, वो हम छुप गए थे। छुप गए थे? हाँ, ये तो स्वाभाविक था ना, हमने जब उस व्यक्ति द्वारा इस संपूर्ण कार को अदृश्य होते देखा ना तो भय के मारे हम कांपने लगे, और कांपते कांपते हमने सोचा कि अगर हम यहीं खड़े रहे तो हमें भी शायद अदृश्य करते, इसलिए हम जाकर छुप गए। परंतु ये तो अच्छा हुआ, आपको तो शक्तिमान भैया ने संपूर्ण की संपूर्ण कार वापस कर दी। उत्तम, अति उत्तम। लेकिन आपके साथ ना रहने से जो बुरा हुआ उसका क्या? बुरा, क्या बुरा हुआ? यही कि अगर आप हमारे साथ रहते आज तो हमें आज के आज ही शक्तिमान से जुड़े सारे सवालों के जवाब मिल जाते ना। अब पर शक्तिमान से जुड़े सवालों का जवाब तो शक्तिमान भैया ने देना था ना, आप दोनों पूछ लेते उनसे। अरे कहाँ से पूछती मैं, जब तक मैं पूछने गई तब तक वो चला गया। ओ। अगर आप होते तो मैं उससे फिर भी जाकर पूछती, क्योंकि आप तो उसे अच्छी तरह पहचानते है ना। इसमें भी कुछ सोचने की बात है, अरे हम दोनों तो साथ में हलवाई की दुकान में बैठकर दूध पीते है। परंतु अच्छा हुआ हम आपके साथ में नहीं थे। क्या मतलब? अब वो यदि हम आपके साथ में रहते ना तो शक्तिमान भैया तो यकीनन नहीं आते। क्यों? क्योंकि हमने उन्हें रात को सपने में नहीं देखा था ना। विश्वास करिए हमारा, हम अगर उनको सपने में रात को नहीं देखते ना तो हमारे उनकी मुलाकात कभी नहीं होती। ओ शट अप। हां जी, आई एम सॉरी, पर देखिए गंगाधर जी, मैं आपसे एक बात साफ साफ कह देना चाहती हूँ कि अगर आपको हमारी कॉमिक्स के लिए काम करना है तो ये सब बातें नहीं चलेंगी। मुझे जल्द से जल्द शक्तिमान से जुड़े सारे सवालों के जवाब चाहिए, समझे? जी। और एक और बात, शक्तिमान से ये भी पूछना है कि उस आदमी ने इतनी बड़ी कार को कैसे गायब कर दिया। जी 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 जी, हम पूछ लेंगे। अब चलिए। अब कहाँ? हम आपको आपके घर छोड़ देते हैं। घर चलेंगे। तो चलिए, धन्यवाद। आप यहाँ बैठिए। उस चोर ने तो मणि की शक्ति से कार को गायब किया था, चोर को तो मैंने पकड़ लिया, लेकिन सवाल अब ये उठता है कि
वो मणि कौन ले गया? अच्छा बागची महाशय, हम चलते। अच्छा देवी, हम चलते। ओके। समस्या तो उलझती चली जा रही है। उस चोर को भी नहीं पता कि वो मणि उससे कौन चुरा कर ले गया है। कौन? आखिर कौन हो सकता है वो? नवरंगी तो एक चोर था, इसलिए उसने मणि का ज्यादा दुरुपयोग नहीं किया। मगर वो इंसान कौन है जिसके हाथ अब वो मणि लग गई है? कौन हो सकता है वो? कहीं वो मणि से शक्ति पाकर विनाश लीला शुरू न कर दे। अगर और कोई चीज होती तो मैं उसे ढूंढ भी लेता, मगर इस मणि की शक्ति की वजह से मुझे पता भी नहीं चल रहा कि वो है किसके पास। परंतु मैं ज्यादा देर तक चुप नहीं बैठ सकता, मुझे कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। किसी भी तरह से मुझे इस समस्या का समाधान ढूंढना ही होगा। मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। गायब होने के साथ साथ इस मणि की ताकत से मैं उड़ भी सकता हूं। अब मैं बिना किसी मशीन के भी हवा में उड़ सकता हूं। हवा। सचमुच बहुत ही कमाल की चीज है ये मणि। ग्रेट शैतान साइंटिस्ट डॉक्टर जैकॉल का बड़े से बड़ा आविष्कार भी इसके सामने छोटा है। आखिर ये चीज है क्या? उस चोर को कहां से मिली होगी ये मणि? किसने किया होगा इसका आविष्कार? इसके अंदर कौन कौन सी ताकतें छिपी हैं? मुझे उसके बारे में पता लगाना है। इस मणि के अंदर कौन कौन सी ताकतें छिपी हैं, मुझे सबके बारे में जानना है। इतनी छोटी सी बात मेरे ग्रेट शैतानी दिमाग में इतनी देर से क्यों आई? जब ये मणि एक इंसान को क्या पूरी की पूरी कार को गायब करा सकती है, हवा में उड़ा सकती है, तो फिर अपने बारे में भी सब कुछ बता ही सकती है। पावर। बता मणि, मुझे बता दे, किसने किया है तेरा आविष्कार? कौन है तेरा जन्मदाता? पता मुझे। पावर। बता मुझे मणि, बता। मेरा जन्म परलोक में हुआ है। परलोक? हाँ, पृथ्वी से बाहर दूसरा ग्रह, जहाँ रहने वालों को पृथ्वीवासियों की तरह पंच महाभूतों से बने शरीर की आवश्यकता नहीं पड़ती है। सूर्यांशियों के पूर्व महागुरु अब उसी ग्रह के वासी हो चुके हैं। उन्होंने ही ब्रह्मांड में बिखरी ऊर्जा का संचय करके मेरा आविष्कार किया है। यानी
जिन परग्रहियों की ताकत को हासिल करने में मैं आज तक नाकाम रहा हूं, उन्हीं परग्रहियों की खास ताकत आज आज मेरे कब्जे में आ गई है। बता बता मणि, मुझे मुझे अपनी सारी ताकतों के बारे में बता, और कौन कौन सी ताकत तुम्हारे अंदर छिपी है, मुझे मुझे बता बता। अपनी सारी शक्तियों के बारे में बताने लगा तो इतना समय लगेगा कि उम्र बीत जाएगी तुम्हारी, इसलिए केवल मुख्य शक्तियों के बारे में ही बताता हूँ। मैं अदृश्य करने के साथ साथ किसी भी व्यक्ति या वस्तु के आकार को बदल सकता हूँ। शक्तिशाली बना सकता हूं कि तुम अभेद्य पर्वतों को सरलता से भेद सकते हो। अगर तुम कहो तो बड़े से बड़ा विध्वंस कर सकता हूं मैं। यदि तुम्हें असुरक्षा प्रतीत हो तो मैं तुम्हारे लिए जितना बड़ा चाहो उतना बड़ा सुरक्षा कवच बना सकता हूं। पृथ्वी को भी ऐसे सुरक्षा कवच से ढक सकता हूं जिसे विश्व की कोई भी शक्ति भेदने में असमर्थ है। यदि मैं चाहूं तो किसी भी व्यक्ति की शक्ति को खींचकर अपने भीतर समाहित कर सकता हूं। क्या कर रही हो तुम मणि? मेरे अंदर की सारी ताकत खींच रही है। रुको रुको इसे रुको रुको। बस मणि बस, मुझे तुम्हारी और ताकतों के बारे में नहीं जानना है, इतना ही काफी है, बस इतना ही काफी है। इस दुनिया से शक्तिमान को मिटाने के लिए तेरी इतनी ही ताकतें काफी है मणि, तेरी बाकी ताकतों को मैं जानूंगा शक्तिमान को खत्म करने के बाद। अब मेरा सबसे पहला और अहम मकसद है इस दुनिया से शक्तिमान को हमेशा के लिए खत्म करना। अब तुझे कोई नहीं बचा सकता है शक्तिमान, अब तुझे मिटना होगा मेरे हाथों। शक्तिमान अजाय लोकत्रय पावनाय भूतात्मने गोपतये वृषाय। लगता है नए महागुरु के साथ सारे सूर्यांशी अंदर गुफा में साधना रत हैं।
अंदर चलता हूं। कहां जा रहे हो बस? कोई नहीं है, परंतु आवाज तो पूर्व महागुरु की थी। हाँ वत्स, ये मेरी ही आवाज थी। प्रणाम महागुरु। आप आयुष्मान भाव। मैंने कहा नहीं था बस, केवल मेरी उसी देह का नाश हुआ है जिसकी आवश्यकता मुझे केवल पृथ्वी लोक में थी। मुझे ज्ञात है महागुरु, परलोक का निवासी होने के कारण आपको पंच महाभूतों से बने शरीर की आवश्यकता नहीं, परंतु पृथ्वी लोक पर आपके आने का कारण? परलोक के उन्नत ज्ञान को सूर्यांशियों को देने आया था, ताकि ये लोग इसे पृथ्वी पर प्रसारित कर सके। इस समय ये लोग गुफा में साधना द्वारा मेरा ही आवाहन कर रहे हैं, परंतु अपनी कर्म भूमि छोड़कर तुम्हारे यहां आने का क्या तात्पर्य है वत्स? आपने जो मणि मुझे दी थी महागुरु, उसे किसी अज्ञात व्यक्ति ने चुरा लिया है। क्या? हाँ महागुरु। परंतु मैंने तुम्हें चेतावनी नहीं दी थी वत्स कि यदि ये मणि किसी दुष्टात्मा के हाथ लग गई तो अनर्थ हो जाएगा? यदि किसी ने उसे चुरा लिया है तो जाओ और जाकर ढूंढो उसे। मैंने प्रयास किया था महागुरु, और इसी हेतु यहां भी आया हूं, ताकि नए महागुरु से उस व्यक्ति को ढूंढने का मुझे कोई मार्ग मिल सके। तुम्हें महायोगी बनाने के पश्चात हमारे सारे दायित्व समाप्त हो चुके हैं वत्स। अब अपनी समस्याओं का समाधान खोजना स्वयं तुम्हारा दायित्व है। परंतु यदि मुझे उस व्यक्ति को ढूंढने में विलंब हो गया महागुरु, तो वो व्यक्ति संसार के लिए संकट बन सकता है। हो सकता है ऐसा ही हो, परंतु फिर भी अपनी कर्म भूमि छोड़कर यहाँ आने का क्या तात्पर्य है? ये मत भूलो वत्स कि संसार को संकट से बचाना भी अब तुम्हारा ही दायित्व है। यही सार्थकता है तुम्हारे निर्माण की। तुम्हें उस मणि को बिना हमारी सहायता के केवल अपनी बुद्धि और विवेक के बल पर ढूंढना होगा वत्स। इसे तुम अपनी परीक्षा ही समझो। जो आज्ञा महागुरु। यदि ये मेरी परीक्षा है तो मैं इस परीक्षा में भी उत्तीर्ण होऊंगा, ये मेरा विश्वास है। ये केवल तुम्हारा ही नहीं, समस्त सूर्यांशी समुदाय का विश्वास है वत्स। तुम्हें विजय अवश्य मिलेगी, परंतु तुम्हारा अधिक विलंब करना संसार के हित में नहीं है। जाओ वत्स। जो आज्ञा महागुरु। विजयी भाव, यशस्वी भाव। शक्तिमान, यही है तेरा शहर जहां तुझे देखा गया है कई बार, मगर आज के बाद तू यहां कभी नजर नहीं आएगा, क्योंकि आज तुझे मिट जाना है द ग्रेट शैतान साइंटिस्ट डॉक्टर जैकॉल के हाथों। आज तुझे कोई नहीं बचा पाएगा शक्तिमान, कोई नहीं बचा पाएगा। एक बार बस, एक बार मेरे सामने आ। नहीं, इससे पहले भी तू कई बार मेरे सामने आ चुका है, मगर हर बार मेरे चंगुल से बचकर निकला है। लेकिन इस बार तुझे भागने का मौका नहीं देगा डॉक्टर जैकॉल। तू भाग नहीं पाएगा शक्तिमान, तू भाग नहीं पाएगा। ए मणि, मुझे इस शहर को सुरक्षा कवच से ढकना है। इस पूरे शहर को सुरक्षा कवच से ढक दे मणि, सुरक्षा कवच बना दे। Oh, my God.
शक्तिमान, अब इस सुरक्षा कवच की दीवार को भेद कर तू इस शहर से बाहर नहीं जा पाएगा और इस शहर के अंदर रहकर मेरे हाथों बच नहीं पाएगा। शक्तिमान।